नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे JVVNL हेल्पर 2 के कट ऑफ मार्क के बारे में, संभावित कट ऑफ मार्क के बारे में, और साथ में बात करेंगे रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2018, अलविदा 2018, और JVVNL हेल्पर के जो पेपर है, काफ़ी पेपर हो चुके हैं और उनसे पेपर का लेवल भी पता चल गया, और बहुत सारे कैंडिडेटों ने मुझे रिस्पांस भी दिया कि इतने नंबर उनके बन रहे हैं, क्योंकि एक अनुमान लग सकता है जब पेपर देख के आते हैं तो एक अनुमान भी होता है कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। तो उन बहुत सारे कैंडिडेटों ने मुझे भेजा भी है कि हमारे इतने इतने नंबर बन रहे हैं, और उस आधार पर साथ में पेपर के लेवल होता है वो काफ़ी प्रभावित करता है कट ऑफ को। तो उसके आधार पर मैंने ये कट ऑफ तैयार की है कि संभावित कट ऑफ की कट ऑफ, ये कट ऑफ इतनी जा सकती है हेल्पर 2 की। और अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट जनवरी में ही आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पीछे भी विद्युत विभाग की जितनी भर्तियाँ ही है उनका रिजल्ट में ज़्यादा समय नहीं लगा है। पीछे आपको बता दूँ, JVVNL जो LDC की पोस्ट आई थी उसका रिजल्ट भी लगभग महीने के अंदर आ गया था, और इसके अलावा जो विद्युत विभाग में जो पोस्ट आई थी टेक्निकल हेल्पर की, उसका रिजल्ट भी लगभग महीने डेढ़ में 2 महीने में आ गया था। तो हर जो विद्युत विभाग की पोस्ट है उसका रिजल्ट लगभग थोड़े समय में आ जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसका रिजल्ट भी जनवरी तक आने की पूरी संभावना है। तो बात करते हैं इसके कट ऑफ की, पहले जान लेते हैं इसका पेपर का लेवल किस प्रकार का था, क्या पेपर का लेवल था। तो पेपर के लेवल की अगर बात करें तो पेपर के लेवल में आपको बता दूं कि आपने पेपर दिया होगा, 30 से 32% जो थे वो हिंदी के थे, और हिंदी बिल्कुल आसान थी। तो कह सकते हैं कि जो 1-3% है वो बिल्कुल आसान थे, इतने नंबर सभी के बन रहे थे हिंदी में, लगभग सभी के सही थे, और हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो आसान थे। और उसके अलावा जो 10 से क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 8-10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, वो हम कह सकते हैं कि थोड़े हार्ड थे, इंग्लिश के क्वेश्चन थे वो हार्ड थे। और उसके अलावा जो साइंस के 10-15 क्वेश्चन थे साइंस के थे वो भी हार्ड थे, और जो राजस्थान जीके के 15-20 क्वेश्चन थे वो हम कह सकते हैं कि राजस्थान जीके जो क्वेश्चन थे वो थोड़े आसान थे और कुछ हार्ड थे क्वेश्चन, लेकिन लगभग आसान थे राजस्थान जीके वाले क्वेश्चन। और इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन थे, बाकी बचे मैथ के क्वेश्चन, उनमें से आधे क्वेश्चन आसान थे आधे हार्ड थे। तो पेपर का लेवल हम कह सकते हैं मध्यम था, और उसके अलावा जो हिंदी के क्वेश्चन थे उनके कारण पेपर का लेवल आसान बन जाता है, और पेपर का लेवल वैसे जो बाकी साइंस के क्वेश्चन थे वो हार्ड थे, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन सरल होने के कारण जो नंबर है वो मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और वो कितनी जाएगी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरिट कितनी जा सकती है। पहले मैं ग्राफिकल आपको समझा देता हूँ मेरिट कितनी जा सकती है। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इसमें पहले आप ग्राफ में समझ लीजिए, बाद में मैं अलग अलग बता दूंगा कितनी मेरिट है। तो इसमें जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो लगभग आप देख लीजिए, यहाँ जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो 82 के करीब जा रही है, 80 से ऊपर जनरल कैटेगरी की मेरिट है, 80 से ऊपर जा रही है। और वहीं OBC की जो मेरिट है वो 78 के करीब, OBC के मेरिट 78 के करीब पहुँच रही है, और जो SC के मेरिट है वो है 76 के करीब, 76 से थोड़ा नीचे 75-76 के करीब SC की मेरिट है। और वो ST की जो मेरिट की बात करें तो ST की मेरिट लगभग कह सकते हैं कि 70 के करीब रह रही है ST की मेरिट। तो ये मेरिट सभी जो विद्युत विभाग के जितने भी कंपनियां हैं, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उन सभी की औसतन मेरिट है। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर जो कंपनी है उसकी मेरिट, जयपुर की मेरिट ज़्यादा रहने की संभावना है, जयपुर की मेरिट हर भर्ती में ज़्यादा रहती है। पीछे भी JVVNL जो LDC की पोस्ट आई थी उसकी मेरिट जयपुर की ज़्यादा थी, जो टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट है उसकी जयपुर की मेरिट ज़्यादा थी, और जेल प्रहरी की मेरिट अभी फिलहाल आई है वो भी जयपुर की सबसे ज़्यादा निकली है, बहुत अंतर है जयपुर की मेरिट का। तो जयपुर की मेरिट ज़्यादा रहने की संभावना है बाकी का जो उन पोस्टों के हिसाब से है। और अलग अलग देख लेते हैं मेरिट कितनी बन रही है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, जनरल की मेरिट है जो 82 है, और OBC की मेरिट है वो 78 रह सकती है। ये एक अनुमान है कैंडिडेटों द्वारा बताए गए,
जो अपने अपने नंबर के हिसाब से, और उन्होंने बताया था कि इतने इतने नंबर बन रहे हैं, और साथ में जो पेपर का लेवल है, इतने दिन पेपर चल रहे हैं उन पेपरों के लेवल के हिसाब से ये तैयार किए गए हैं। दो चार नंबरों का हो सकता है फ़र्क रह जाए, लगभग यही मेरिट रहेगी। ओबीसी की 78 रह सकती है, और एससी की मेरिट है वो 75 रह सकती है, और एसटी की मेरिट लगभग 71 के करीब रह सकती है। तो इसमें सीधे डॉक्यूमेंट आपको पता ही होगा, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिजल्ट आने के तुरंत बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, और लगभग आपके अगर इसके करीब नंबर बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हो तो 82 के करीब बन रहे हैं, एससी के करीब बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी में 78 के करीब, और एससी में 75 के करीब, और एसटी की 71 के करीब रह सकती है मेरिट। दो तीन नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो एक्सक्यूज संभावित कट ऑफ है वो लगभग यही है। और इसके अलावा जो इसका रिजल्ट है वो आपको बता दिया, जनवरी में आने की पूरी पूरी संभावना है रिजल्ट आने की, और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो मैं तुरंत आपको स्टडी टाइम्स के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। इसलिए आपने अभी तक स्टडी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको वो हर अपडेट समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।